फ्रेंड्स, आज हम करेंगे तीन ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके लव हैंडल्स को, आपके जो कमर का फैट होता है साइड पर, यहाँ पे जो फैट होता है उसको रिड्यूस करेंगे और साथ ही साथ आपके बेली फैट को भी कम करने में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें किस तरीके से करनी है और कितने रेपिटेशन किस एक्सरसाइज के हमें लगाने हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के हेल्थ फिटनेस एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, जितना आपके हिप्स की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गैप देंगे। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके गर्दन के पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, कोर को एंगेज करेंगे, जो आपका टमी है उसको पूरा अंदर की तरफ खींच के रखेंगे, कमर को एकदम सीधा रखेंगे इस तरीके से। अब अपने पैर को आपको ऊपर उठाना है साइड से, मतलब आगे आपको ऐसे नहीं उठाना है, साइड में लेके जाएंगे लाइक दिस, इस तरीके से दोनों साइड से ही आपको करना है इस तरह से। स्टार्टिंग में 10 रेपिटेशंस लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे धीरे रेपिटेशन इंक्रीज करने हैं। पहले ही दिन बहुत ज्यादा रेपिटेशन करने की जरूरत नहीं है, शुरू में आप 10 रेपिटेशन कीजिए। ये जो मैं आपको तीन एक्सरसाइज बता रही हूँ उसके आपको तीन सेट लगाने हैं, तो इसमें जो आपका फर्स्ट सेट होगा उसमें इस एक्सरसाइज के आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं। अब देखते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपको वॉल के साथ में, यानी दीवार के सहारे करनी है। तो इस तरीके से किसी भी दीवार का आप सहारा ले सकते हैं, इस तरह से अपने हाथों को टिका देंगे। अब साइड में इस तरह से पूरा पीछे आपको ट्विस्ट होना है इस तरीके से। जब इस तरीके से ट्विस्ट होंगे तो आपकी कमर में यहाँ पे और अपोजिट साइड में यहाँ पे आपको ऐसे एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, इसको फील करना है अपोजिट साइड से। अगेन जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे इस तरीके से हाथों को लेके जाना है इस तरह से। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी कमर के साइड पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है यहाँ पर, जिससे आपका यहाँ का रिब फैट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट सेट में इसके भी आपको 10 रेपिटेशन लगाने हैं। यही एक्सरसाइज जब आप दूसरे सेट में करेंगे तो आपको रेपिटेशन बढ़ा देने हैं, यानी कि आप 15 या 20 जितने में आप कंफर्टेबल हो उतने आप रेपिटेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज। जो थर्ड एक्सरसाइज है ये ना सिर्फ आपके कमर के फैट को कम करेगी बल्कि आपके बेली और आपके हिप्स के फैट को भी रिड्यूस करेगी। इसको करने के लिए इस तरीके से सबसे पहले ऐसे स्क्वाट में आ जाएंगे। अब अपने एक हाथ को इस तरह से अपने घुटने पे रखेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से पूरा स्ट्रेच बैक, पूरा स्ट्रेच एंड बैक, साइड में पूरा स्ट्रेच होना है। जब इस तरह से आप स्ट्रेच होंगे तो आपका हाथ आपके कान के पैरेलल आपको रखना है इस तरीके से। ये इस एक्सरसाइज को करते हुए चीज का और ध्यान रखना है, आपके घुटनों पे आपको प्रेशर फील नहीं करना है, अच्छे से स्क्वाट पोजीशन लेनी है तब आपको इस एक्सरसाइज को करना है। इसके भी स्टार्टिंग में आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं और जब आप इसका दूसरा सेट लगाएंगे तो 15 रेपिटेशंस, और जब तीसरा सेट आप इन एक्सरसाइज का लगाएंगे तो आपको 20 रेपिटेशंस करने हैं, यानी कि हर सेट के साथ में आपको रेपिटेशंस इंक्रीज करने हैं। आप इन एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली 10 दिन भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कमर का साइज है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ में डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखिए। आई होप कि आपको एक्सरसाइज जरूर पसंद आई होंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।